बनारस पूर्वांचल के चक्कर में 10,000 करोड़ का कारोबार है सर, पूर्वांचल का अफीम, रेशम, ये 7 लंबरदार, मुख्तार अंसारी, हरशंकर तिवारी, ये 7 लंबरदार, अब मैं नाम नहीं लूंगा सर, ये लंबरदार है सर, समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, हमारी जमीन, एक हिस्सा जमीन है, एक हिस्सा हमारी जमीन, ले जाओ एक हिस्सा, जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ, इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। ये फिलिस्तीनी, ईरानी, इराकी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमको यहूदी मार रहे हैं, हमें तो क्यों मार रहे हैं, कभी पता करने की कोशिश की हो? तुम कमजोर हो? नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं भैया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो, तुम कमजोर हो, जो भी कमजोर होगा ताकतवर उसको मारेगा। हम नहीं मार खाए, 18वीं 19वीं शताब्दी में खूब पीटा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पटक पटक के मारा, पंडितों को मारा, ठाकुरों को मारा, भूमिहारों को मारा, मुसलमानों को मारा, किसको नहीं मारा उन्होंने। जब मैं आज देखता हूं ब्राह्मण सेना, करणी सेना, फलानी सेना, तो मैं सोचता हूं यार तुम कहां थे, वो जब अंग्रेज थे तो तुम कहां थे, बहुत मारा पटक पटक, सबको मारा उन्होंने, बगल में बैठने नहीं देते थे। इस देश के उच्च वर्ग को नीच होने का एहसास हुआ अंग्रेजी शासन में, कहानी आगे चलेगी। तो 7 लंबरदार किसके चक्कर में? रेशम मार्ग के चक्कर में। रेशम मार्ग, स्विस कैनाल, ऑयल। रशिया बड़ा झटका खा गया, किसमें? बर्लिन कांग्रेस में। पर सर झटके तो चलते रहेंगे सर, हार जीत तो चलती रहेगी सर। हार जीत तो चलती रहेगी सर, उसका जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ हारते ही रहोगे ना तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओगे, कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था, डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था, वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था, कभी गुजरात कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता। आओ आज आप डालिएगा क्लास के बाद, महमूद खलजी मालवा हमेशा सर वो तलवार म्यान में रखा ही नहीं, बंदा कभी लड़ता ही रहा, उसको भी हिस्ट्री में लोग जानते हैं। रंजीत सिंह नहीं लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया, आलू छीलने के लिए आर्मी बनाए हो, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फौजे खास, तोप रखे हैं, अपनी बिटिया के साथ दिन लगाओगे? ये सब क्यों बनाए थे? फौजे खास लड़ना चाहिए था ना, जब सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी तो एक टेस्ट अंग्रेजों से कर लेते, नहीं लड़ा अंग्रेजों से बंदा, हालांकि महान आदमी है, ग्रेट रूलर है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसकी गलती है कि ये बहुत बड़ी है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ सतलज के इस पार नहीं आओगे, अगर नहीं आएंगे भैया, लड़ना चाहिए था। वही अंग्रेज, वही सेना उसकी जानी दुश्मन बन गई उसके मरने के बाद। जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। जिंदगी में दो ही चीज देखो, लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी, खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना, हाँ प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास, हाँ तब कहे मरे जा रहे हो, तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो नेक्स्ट, दूसरा लाओ भाई, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।